नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक धनु राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और धनु राशि के विषय में दो तीन स्पष्ट बातें जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धनु राशि पर नए नए समीकरण अभी कुछ बने हैं। 4 तारीख को बुध का ट्रांजिट हुआ है आपके भाग्य स्थान में और 8 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि आपका चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, सुख माता मित्र मकान सवारी पशु वाहन आपका चिकित्सालय आपका ट्रीटमेंट आपको जो डॉक्टर मिलता है चिकित्सा के समय उसका स्थान भी चतुर्थ भाव है, नर्स आपका पशु आपकी बिल्ली खरगोश कुत्ता जानवर ट्रैक्टर। तो किसान और जवान पुलिस हो चाहे कोई भी आदमी हो सबके लिए ये वीडियो उतना ही इफेक्टेड है क्योंकि चतुर्थ भाव में गोचर में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर राहु का ट्रांजिट बदल जाएगा। उसके बदलने से आपका चतुर्थ भाव माता मित्र मकान सवारी पशु से संबंधित समस्याओं पर कुछ बदलाव होगा। कारण क्या है कि आपकी लगन धनु राशि धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति जो छठे में शत्रु राशि में बैठा है उसकी राशि चतुर्थ में है, उस पर शनि का गोचर होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि का नक्षत्र है वो राहु का गोचर उस पर होगा तो समीकरणों में बदलाव और नौकरी में बदलाव क्यों होंगे। कारण क्या है जिनको जॉब से रिलेटेड समस्या थी अब उसमें बदलाव कैसे होगा। वहां पर हस्त नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण ट्रांजिट करते हुए केतु जाएगा और केतु का और चंद्रमा का बैर है और केतु की राशि पर ही वहां कन्या राशि है, चंद्रमा कन्या राशि में है, हस्त नक्षत्र का जो शत्रु है वो बुध जो राशि है वो उसका तालमेल बुध का और चंद्रमा का अच्छा नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब धनु राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की जब दृष्टि होगी तो जिन जिन लोगों को जॉब चेंज करना है आपका जॉब का प्रोफाइल चेंज करना है आपकी कुर्सी चेयर आपका प्रोफाइल डेकोरम आपकी डिग्निटी आपका प्रोफाइल कह सकते हैं जॉब या स्थानांतरण होने की पूरी संभावना है। कुछ के जॉब में बदलाव आएंगे। देखिए ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं और इस पर कन्फर्म क्यों नहीं हूं क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है किस धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली में दशम भाव में या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा है और दशम भाव को कितना इफेक्टेड कर रहा है। पॉजिटिव है बृहस्पति की दृष्टि है शनि की मित्र दृष्टि है तो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर वहां पर मंगल का साइड इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है तो जॉब में परेशानी दिखाई स्पष्ट दे रही है। वैसे भी ट्रांजिट मोशन में बहुत दिनों से धनु राशि के जॉब को लेकर चिंताएं उतार चढ़ाव नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है। इसमें हम इफ एंड बट कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोगों को बुरा लगता है तो बोले आप साफ बोल देते हो, साफ बोलना अच्छा है भले ही बुरा लगता है लेकिन हमारे बोलने से किसी को जॉब मिल जाए तो हम तो बोल सकते हैं लेकिन ग्रहों के जो महत्वपूर्ण बदलाव वो आपकी कुंडली में किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन ऑफ योर होरोस्कोप। हम सिर्फ गोचर ग्रहों की बात करते हैं जो 80% प्रभाव तो दिखाते ही हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि आपके
16 सितंबर तक एक ग्रह इतना पॉजिटिव है, भले ही दुनिया लाख बुरा चाहे आपका, सूर्य आपके भाग्य को इतना सुरक्षित करता है, आपको प्रफुल्लित, आपको आनंदित और सुरक्षित करता है। कितने 50 तरह के दुश्मन भी पैदा हो जाएं, सूर्य अकेला ही आपके भाग्य को रक्षित करेगा। इसके अलावा आपको जीवन में मान सम्मान की कमी नहीं होगी। धैर्य आप रखिए। मुख्य कारण क्या है? शनि अकेला ही पराक्रम स्थान में आपको इतने बड़े प्रिविलेज भी दे रहा है कि धनु राशि वाला भले ही कितने संकट, परेशानी, तनाव से जूझ रहा हो, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में अभी शनि है। हम आपको अलर्ट डेट से भी अवगत कराएंगे, लेकिन जिन जिन की कुंडली में शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल की महादशा चल रही है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। राहु की दशा कष्टकारक हो सकती है। ये मैं मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आधार पर बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी की जो क्रम है दशाओं की, वो यही है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, इनकी दशाएं आपकी चल रही हैं। बुध की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है, जो ज्यादा एज के लोग हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अलर्ट डेट कौन कौन सी आपके लिए हैं। 18-19 सितंबर से पहले 9, 10 और 11 सितंबर आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देंगी। 18 और 19 सितंबर अच्छा परिणाम नहीं देंगी। 26, 27 और 28 सितंबर को भी आपको अच्छे परिणाम देने वाली तारीखें नहीं है। इनमें आपको सूझबूझ, समझदारी से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ओवरटेक नहीं करना। वाहन से संबंधित समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। अपने विवेक को, ज्ञान को, बुद्धि को स्टेबल रखो, स्थिर रूप से, जल्दबाजी मत करो। धनु के लिए ये समय जल्दबाजी का नहीं है। और नई चीज बताता हूं आपको, अगले वर्ष मार्च के महीने के बाद बहुत बड़े बड़े बदलाव भी आएंगे। धनु राशि का स्वामी जब धनु राशि को ही देखेगा, तो इतनी सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, रक्षित और हर्षित, चारों तरफ से प्रसन्नता का दौर आपके लिए होगा। तो वर्तमान समय को धीरे धीरे देखिए। ना चाहते हुए भी कई बार मनुष्य की परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि मनुष्य को हालात से समझौता करना पड़ता है। तो इस समय धनु राशि को, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी बृहस्पति है, सीधे सीधे विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ओम विष्णवे नमः, या बृहस्पति का एक मंत्र है, और ये जो मंत्र है ये आपके लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और पीपल के वृक्ष के अलावा आप केले के वृक्ष की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं और उसी तिलक को अपने माथे पर भी लगाएं। केसर का तिलक भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। वेजिटेरियन, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें। पीले वस्त्र अगर नहीं धारण कर सकते तो पीला एक रुमाल हैंकी अपनी जेब में रखेंगे, वो सकारात्मक प्रभाव आपको देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।